संजय सिंह के बोलने से बीजेपी की चूल हिल गई है। चूल उत्तर प्रदेश के बब्बर शेर हैं ठाकुर संजय सिंह, और ठाकुर बीजेपी को मिट्टी में मिला देंगे। संजय सिंह चोर बेईमान नहीं है। इनके शासन में महिलाओं को मारा जाता है, रात में जलाया जाता है और अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जाता है। जो दलित को कहेगा वो नरेंद्र मोदी को कहेगा। इसी शासन में दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ। ये कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्पीड़न है। विकास नहीं बिना होगा, कटोरा पकड़ा देगा हाथ में भीख मांगने के लिए। जो कच्चा पहन पहन के जा रहे हैं, घूम रहे हैं पैंट शर्ट ना, वो भी उतर जाएगा और उई लाला उई लाला करते घूमेंगे। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से संजय सिंह की जमानत के बाद अब भाजपा जो है लगातार उनकी जमानत वापस लेने की जो है बात कर रही है और कह रही है कि जमानत जो है वापस लेनी चाहिए संजय सिंह की, ये गलत हो रहा है। इसी चीज पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चतुर्वेदी सर। क्या कहेंगे जिस तरीके से बोला जा रहा है कि जमानत वापस लेनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के बब्बर शेर हैं ठाकुर संजय सिंह, और ठाकुर बीजेपी को मिट्टी में मिला देंगे। संजय सिंह चोर बेईमान नहीं है, इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं और संजय सिंह हमारे पुराने मित्र हैं, मैं उनको बारीकी से जानता हूँ। संजय सिंह के बोलने से बीजेपी की चूल हिल गई है। चूल समझ रही हैं? चूल मतलब हिल गई, डर गए हैं वो संजय सिंह से। संजय सिंह से का इंडिया गठबंधन से इनकी मेमोरी हिट हो गई है। इंडिया गठबंधन से मेमोरी हिट हो गई है। पंडित राहुल गांधी ने इनका जीना हराम कर रखा है। इस देश के महास लीडर, विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार हो गए पंडित राहुल गांधी। गरीब गुरबों के नेता हो गए हैं, आदिवासियों के नेता हो गए हैं, सर्व हरा समाज के नेता हो गए हैं। ये अडानी अंबानी के नहीं है। अडानी अंबानी कारपोरेट के डकैतों के अगर सरगना है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू हैं। लेकिन कॉपी तो आप लोग नरेंद्र मोदी की ही कर रहे हैं, उन्हीं की तरह गारंटियां लेके आ रहे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। हम लाते हैं तो हमारे ऊपर जनता विश्वास की, हमने करके दिखाया है। ये 10 साल में बता दें, अडानी अंबानी का 18 लाख करोड़ कर्जा माफ किया उद्योगपतियों का, किसानों का कर्जा माफ किए बिल्कुल नहीं किया। मणिपुर में नंगी महिलाएं घुमाई जा रही थी, उस पर कुछ बोले, कुछ कार्रवाई किए नहीं किए। पहलवान बेटियां ही घुसरा, जाटों की बेटियां घिसरा घिसरा के पीटी जा रही थी, उन्होंने जो है कुछ कहा नहीं कहा। आज कहावत है ना हमारे वहाँ भाषा में, भोजपुरी में, कहा लगी फटने खैरात लगी बटने। पंडित राहुल गांधी उस कुंड से पैदा हुए हैं जिस कुंड को देख करके ये लोग भाग रहे हैं। आपने देखा नहीं उनका रोड शो चल रहा है, जनता कितनी भीड़ दिखाई दे रही है? कहाँ दिखाई दे रही है, वो अंजना ओम मोदी दिखाई दिखा रही होंगी और दीपक चौरसिया गंजेड़ी दिखा रहा होगा। मीडिया में दिख रहा है कितनी भीड़ दिख रही है उनके रोड शो में, पूरी रैलियों में देखिए। कहीं भीड़ नहीं है, कुर्सियां खाली है, टूट रही है कुर्सियां, आपस में जूता पैजार चल रहा है, मार पिटाई चल रहा है। आज हरियाणा से लोग तमाम लोग चौधरी वीरेंद्र सिंह घर वापस किए हैं, 5 विधायक लेकर के आ गए। तो हरियाणा भी सरकार जा रही है, खट्टर स्वयं चुनाव हार रहे हैं, बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा तो आयातित प्रत्याशी ला रहे हैं। कंगना रणावत चुनाव हारने जा रही हैं। अच्छा ये बताइए, इनके प्रत्याशी गौ मांस कहती है, मैं तो बीफ खाती हूँ, उसने नेशनल चैनल पर बोला है। इतनी विद्वान है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ और सुभाष चंद्र बोस को पहले ही पीएम बना डाली है। ये कौन सा नशा करती है, कुछ समझ में सुल्फा उल्फा पीती है का? वो कह रही है असली आज़ादी हमें मिली है तो 2014 के बाद ही मिली है। अच्छा अच्छा, अरे भाई गजब का ज्ञान है। जैसे इनके पीएम वैसे प्रत्याशी। हाँ, अंग्रेजों की भीख बता रही है 1947 वाली आज़ादी को। और अब क्या अंग्रेजों के लिए जो दलाली कर रहे थे उनकी खैरात बता रही हैं क्या? अंग्रेजों के दलालों के वहाँ तो हैं, ज्योतिराजय सिंधिया का पूरा परिवार जो गद्दार था वो भी चुनाव हार रहा है, बुरी तरीके से हार रहा है, और जितिन प्रसाद हार रहे हैं, ये तमाम दुकान साफ हो रही है। हाँ, लेकिन पहले उन्होंने बोल दिया मोदी जी ने कि हमने आगे तक की प्लानिंग कर ली है, और अभी तो ये ट्रेलर था।
कौन सा ट्रेलर था? 10 साल में ट्रेलर था, अभी और विकास करवाएंगे वो। इतना विकास नहीं, विनाश होगा। कटोरा पकड़ा देगा हाथ में भीख मांगने के लिए। हिंदू जो कच्छा पहन के जा रहे हैं, घूम रहे पैंट शर्ट ना, वो भी उतर जाएगा और उई लाला करते घूमेंगे। वो तो कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ा है। इस 10 वर्षों में भारत विकास के मामले पर, रोजगार के मामले पर, महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले पर देश पीछे हटा है, हाँ। ना कि आगे बढ़ा है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी जब अपने वायदों को जुमला बताती है, अब मोदी के गारंटी के रूप में वही बोतल में पुरानी शराब है, हाँ। वही शराब की बोतल में, हाँ। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि कौन हमारा हितेशी है, कौन हमारे लिए संघर्ष कर रहा है। पंडित राहुल गांधी जी एक ऐसे भारत के परिवार के सदस्य हैं, हाँ। युवा नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनसे अधिक पढ़ा लिखा युवा नेता, तो युवाओं के लिए ऐसा क्या कर दिया है कि युवा उनको वोट दे? उन्होंने, हाँ। उन्होंने पूंजीपतियों का कर्जा ना माफ कर किसानों का कर्जा माफ किया, इन हाथों को रोजगार दिया, महिलाओं को सुरक्षा दी। चाहे दिल्ली में दामनी का मामला आया हो, इन्होंने तत्परता से अपराधियों को जेल भेजा, तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं। इनके शासन में महिलाओं को मारा जाता है, रात में जलाया जाता है और अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जाता है। महिलाओं को संरक्षण दे रहे हैं और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सम्मान की जो सरकार है वो मोदी सरकार ही है। इनके यहाँ उल्टा होता है, ये कहते हैं कि जो दलित को कहेगा वो नरेंद्र मोदी को कहेगा। इसी शासन में दलितों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ। ये कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न है। चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे मेघालय की घटना हो, चाहे अदर और छोटी घटनाएं हो, चाहे युवा महिलाओं के साथ बलात्कार हो, मौका भी भाजपा सरकार ही दे रही है। ऐसा नहीं है, भाजपा ने उन दलितों को मौका दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित तैयार हैं, जो सदन में बोल नहीं सकते, दलितों की बात कह नहीं सकते, समाज हित की बात कह नहीं सकते। ऐसे दलितों का सदन में जाना अंबेडकर की विचारधारा का और संविधान का अपमान है। जो महिला आदिवासी समाज से आते उनको राष्ट्रपति बना दिया है। देखिए, हमने भी ज्ञानी जैल सिंह को, पंजाब से दलित थे, उनको राष्ट्रपति बनाया। हमने जगजीवन राम जी को नेता बनाया, हमने दलितों में से अंबेडकर जी को संविधान रचयिता कमेटी का अध्यक्ष बनाया। दलितों को हमने भी दिया, हमने किसानों को दिया, खुलेआम महिलाओं को हमने सिक्योरिटी मुहैया कराई, खुलेआम घूमती हैं। इस बार ऐसी क्या गारंटी है, क्या लेके आए जिस वजह से आप लोगों को मौका दे और भाजपा सरकार को वोट ना दिया जाए? हमें मौका इसलिए दे जनता कि हम सत्ता में ना रहते हुए भी हम उनके लिए पदयात्रा कर रहे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके सत्ता में आने के लिए ही कर रहे हैं ना। देखिए, सत्ता में तो हम थे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सत्ता में रहें ना रहें। हमारा उद्देश्य है निचले तबके को, किसानों को, युवाओं को न्याय मिले, हमारा उद्देश्य यह है। पंडित राहुल गांधी जी आज की राजनीति में सबसे अधिक पढ़े लिखे युवा नेता हैं, जो किसानों की सोच रखते हैं, मजदूरों की सोच रखते हैं, मजले कारोबारियों की सोच रखते हैं। लेकिन हम जनता से बात करें, जनता ये कहती है कि हमारे लिए कुछ काम न करे पर हम धर्म के नाम पे वोट जरूर देंगे। देखिए, जब जिस देश में धर्म की और नफरत की खेती हो, जहाँ HM का चुनाव हो, उस देश का तो भगवान ही मालिक है। अगर धर्म की राजनीति करते हैं तो मेरे रहते हुए मैंने बांग्लादेश देखा है, श्रीलंका देखा है, जहाँ धर्म की राजनीति होती है वहाँ की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जनता सड़कों पर आई, वहाँ पर हमसे ज़्यादा भुखमरी पाकिस्तान में है और आज हम आय के मामले में पाकिस्तान से भी पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं, यहाँ तक कि हम श्रीलंका से भी पीछे हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार में हम 9वें नंबर पर, 7वें नंबर पर थे विकास के मामले पर। GDP कहीं नहीं है, आर्थिक स्थिति बड़ी नाजुक है।
देश जो है बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों मतलब को इधर बदलाव चाह रहा है। बिल्कुल बदलाव चाह रहा है देश की जनता, और 4 जून को आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। और हमने 2004 का चुनाव भी देखा था, साइनिंग इंडिया थी, और उस समय तमाम अटल बिहारी वाजपेयी हो रही थी जैसे आज नरेंद्र मोदी हो रही है, लेकिन उस समय के चुनाव में जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी को बाहर कर दिया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता यहाँ की मालिक है, जनता के पास पूर्ण अधिकार हैं सरकार को बदलने के, और हमें विश्वास है जनता पर। जितना इन्होंने अत्याचार किया है, जितना लोगों को सताया है, कि इस बार निश्चित तौर से बदलाव होगा और पंडित राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी जनता की राय, जनता लग रहा है इस बार बदलाव चाह रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले जनता ने पहले ऐलान कर दिया कि 4 जून को ही अब देखने को मिलेगा कि जनता बदलाव चाह रही है या फिर वापस नरेंद्र मोदी जी को ही चाह रही है। इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।